हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो का बिस्किट का केक। इसके लिए हम ओरियो को फाड़ के एक बाउल में डाल लेंगे। हम ओरियो की क्रीम्स अलग से निकाल लेंगे इसमें से। इसी तरह से सारी क्रीम निकाल लेंगे। अब सारी निकाल लेंगे। अब हम सारे बिस्किटों को क्रश करके मिक्सी जार में डाल लेंगे। ये हमने मिक्सी जार में पीस के ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो का आधा पैकेट डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हम पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। हमने इसमें लगभग आधा गिलास मिल्क ऐड किया है। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और हमने सिर्फ इसमें आधा गिलास मिल्क ऐड किया था। ये पेस्ट हमारा ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज्यादा पतला होना चाहिए, जिससे थिकनेस बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पे ये भगोना ले लिया है और इसमें हमने घी लगा लिया है। उसके ऊपर मैदा छिड़क दिया जिससे ये चिपके ना। अब इस बैटर को हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने गैस गर्म कर ली है, उसके ऊपर हमने भगोना रख दिया और भगोने के अंदर हमने कटोरी भी रख दी है। और अब हम इसमें अपना बैटर वाला बर्तन रख देंगे और इसे हम ढक देंगे। अब इसे हम ढक लेंगे और इसे 30-35 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे और इसे बीच बीच में देखेंगे नहीं, रहने देंगे मीडियम गैस पर। तो अब हम इसमें जो हमने ओरियो की क्रीम हटा ली थी उससे हम केक की क्रीम तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रीम ले ली है। यहाँ पे हम इसे चीनी डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे। ये हमने क्रीम तैयार कर लिया। अगर आपसे चम्मच से इसको ना मिलाया जाए तो आप इसे हाथ की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसी एक दूध की पन्नी लेंगे और उसमें हम इसको हम फाड़ लेंगे ऊपर से और इसमें हम अपनी क्रीम डाल लेंगे। तो इसे हम रबड़ की सहायता से इसे ऊपर से बंद कर देंगे। तो हमने इसे 30 मिनट के लिए ढक के रखा था। अब इसे 30 मिनट के बाद खोल के देखेंगे और अब इसे देखेंगे कि ये बन चुका है नहीं। अगर ये चक्कू के चिपक गया तो ये नहीं बना है और अगर नहीं चिपका तो ये बन चुका है। ये बन चुका है, ये चक्कू के नहीं चिपका। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे बगलों में से चक्कू से थोड़ा कट कर लेंगे जिससे आसानी से निकल जाए। अब इसे निकाल लेंगे। प्लेट को फिर ऐसे उल्टा करेंगे हम। आप देख सकते हैं हमारे मैदा की वजह से कितनी आसानी से निकल गया है। अब इसे हम क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। जो हमने दूध की थाली में क्रीम जमाई थी हम उससे इसे डेकोरेट कर लेंगे। उसे नीचे से थोड़ा सा कट कर लेंगे और अब इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये हमारा केक बन चुका है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल एडीएम बेस्ट कुक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।